राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी रसोई में रायते की रेसिपी लेके आई हूँ। रायते तो आपने कई तरह के खाए होंगे, पर मैं आज आपको घिया का रायता बनाना बताऊंगी। कई कई लोग इसे घिया भी बोलते हैं, कई कई लोग इसे लौकी भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले हम छीलने वाले चक्कू से इस तरह से छील लेंगे। ये देखिए हमारी घिया लौकी पूरी छिल चुकी है। अब इसको हम धो लेंगे। सबसे पहले अब इसको या तो आप घिया कस की सहायता से इसको घिस लेना या फिर आप चक्कू से काट लेना। मैं इसको इस टाइम घिसूंगी। ये देखिए घिया मैंने घिस लिया है। आप चक्कू से भी काट सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको काटने के बाद जब उबल जाएगी ना तो आपको फिर पीसनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, इसको हम तेज आंच पे दो सीटी लगा देंगे। अब हम एक पेस्ट बनाएंगे अपने रायते में डालने के लिए। उसके लिए हमें हरा धनिया, हरा पुदीना और दो हरी मिर्च, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए ये हमारा पीस गया है। वैसे तो हम काट के भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन काटने से क्या होता है ना, वो खाते टाइम ना फिर दांत के नीचे आते तो वो अच्छे नहीं लगते उनका। सो अगर आप इस तरह से पीस के डालेंगे ना तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है रायते में और स्वाद भी देता है। ये मेरे घर का जमा हुआ दही है। देखिए कितना, ये देखिए कितना गाढ़ा है। अब हम इसको रई से ऐसे बिलो लेंगे। अब हमने जो इसमें ये पेस्ट बनाया था ना हरा धनिया हरी मिर्च का, मिक्स कर देंगे। अब हमने वो पेस्ट डाल दिया, अब क्या करेंगे, धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च। अगर आपके यहाँ पे लाल मिर्च ज़्यादा खाई जाती है तो उस हिसाब से कम खाई जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें हरी मिर्च डाल के पीस के डाली है, इसलिए अब लाल मिर्च उसी हिसाब से इसमें डालना। काला नमक, आप काला नमक जरूर डालें अपने रायते में, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आप रायता फ्रिज में रख के बना के तो आप नमक किसी भी टाइम डाल दें, चाहे अभी डाल दें चाहे परोसते टाइम डाल दें, लेकिन अगर आप फ्रिज में रायता नहीं रख रहे हैं तो उसमें नमक तभी डालें जब किसी को आप परोसें, नहीं तो आपका रायता खट्टा हो जाएगा। हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा, इतना
इतनी अच्छी खुशबू आ रही है रायते में से। अब इसमें हम हींग जीरा भूंज लिया है मैंने, उसको डाल देंगे। कई लोग इसमें उसका भी तड़का लगाते हैं, देसी घी का, देसी घी गरम करके उसमें हींग जीरा डाल के, लेकिन यहाँ पे सब भुंजे हुए जीरे का ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं भुंजा जीरा ही डाल ली हूँ। फिर मैं किसी और चीज़ का रायता बनाऊंगी, तब आपको मैं तड़के वाला छोंक लगाना बताऊंगी। अब इसको हम इस स्टेज पे ढक के रख देते हैं। देखिए हमारे लौकी उबल चुकी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, लौकी उबलने के बाद बिल्कुल ठंडी हो जाए जब, तभी आप अपने दही में डालना इस लौकी को, गरम मत डाल देना, नहीं स्वाद खराब हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ना लौकी उबालने के बाद निचोड़ते भी हैं, वो इसलिए निचोड़ते हैं क्योंकि जिनका दही पतला होता है ना, तो वो और ज़्यादा पतला हो जाता है। मैं इसको निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे दही घर का बना हुआ है और गाढ़ा है। ये देखिए, ये देखिए हमारा लौकी का रायता बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए हमारा लौकी का रायता बिल्कुल बनकर तैयार है। जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही बनाना, ये बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। आप पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इवन आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं गिलास में भर के, ये खाना पचाने का भी काम करता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। ये लीजिए, ये लीजिए पहली वाइट आप लोगों के लिए इतनी भरी गर्मी में। एक बार अपनी रसोई में आप इसे बनाएं अवश्य, बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।